Sí, como el tema. ¿Estoy en alguien, pues? Sí, sir. Chica, chévere. ¿Dónde hace que vas? Estamos aquí allá. हाँ, तो हमने क्या खत्म किया था? जीएल खत्म किया था, एपीए स्टार्ट कर लिया था, बाकी है। अकाउंट वेरिएबल आपने स्टार्ट किया था, उसके वेंडर्स की हम एंट्रीज दे देते हैं एंट्रीज कर रहे थे। जी। वेंडर्स की ना उसमें पीकेआर का प्रॉब्लम आ रहा था करेंसी का, तो वो भी सॉल्व आउट नहीं हुआ था। अच्छा, देखते हैं। FB60 था ना? मे भी शायद याद नहीं है। देख लेते हैं। तुम्हें दिक्कत आ रही थी PKR वाले में? जी सर, इसके सर आपने कहा था कि वो बीच में कनेक्शन भी खत्म हो गया था, तो आपने कहा था कि मैं करके दिखाता हूँ, तो उस वक्त भी नहीं हो रहा था। अच्छा रुको, क्या थी कंपनी को तुम्हारी? MOZ1 ना? जी इसमें कोई वेंडर ही नहीं है। कंपनी को कुछ और तो नहीं थी? MOZ2 भी था, Z2 में किया था हमने काम। दोनों आपने करे थे उसमें, Z2, Z3 और Z1। लेकिन सर वो हुआ नहीं था क्योंकि बीच में कनेक्शन टूट गया था, तो उसकी वजह से हुआ नहीं था वो। अच्छा, जी मतलब वेंडर क्रिएट करना है यू मीन टू जी से। जी OBD3 सॉफ्टवेयर है हमारे पास, एडमिन वेंडर है, ऑन टाइम वेंडर है, ठीक है। चलो, उसके बाद अगला है OBAS, नंबर रेंजेस का असाइनमेंट चेक करने के लिए। तो देखें, MOZ1 वो हम कर चुके हैं, 26, 27 और 28, राइट। जी चलो, सबसे पहले करना है हमें FK02। अकाउंटिंग में आओ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट्स पेबल, मास्टर रिकॉर्ड, NFK01, ये इसका पार्ट है। एंटर करेंगे। अब सबसे पहले बताओ कि करना किस में है। MOZ1, तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर वेंडर बनाते हैं, ठीक है। ओके okay। चलो, ढूंढने के लिए कंट्रोल एफ करेंगे, MOZ टाइप करेंगे, ये आ गया सॉफ्टवेयर वेंडर। फिर जी हमारे पास है एडमिन वेंडर, ये दो इन्फॉर्मेशन डालनी है, एक कंपनी कोड की और एक अकाउंट ग्रुप की। ये दोनों चीजें डालने के बाद क्लिक करना है इस पे, एंटर बटन पे ऊपर, या ओके फिर एंटर हिट कर दो, ठीक है। टाइटल में कंपनी ले लो, मान लो हमारा जो वेंडर है वो क्या है, एक्सेंचर है, ठीक है। डाल दो इसमें सर्च की में सॉफ्टवेयर डाल दो, जब भी तुम सॉफ्टवेयर सर्च करोगे तो एक्सेंचर आएगा, ठीक है। ओके कोई सिटी ले लो, कराची मान लो, देन तुम्हारी कंट्री होगी क्या, पाकिस्तान, PK, हिट एंटर। इस विंडो में कुछ नहीं डालना, कंट्रोल वाले में बैंक, इस पेमेंट ट्रांजेक्शन में भी कुछ नहीं डालना है। तुम रिकॉर्ड कर रहे हो सेशन को, जी ठीक है। अभी इससे इसमें भी कुछ अभी नहीं डालेंगे, आगे चलेंगे। ये कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है, चाहो तो कुछ रैंडम नंबर्स या कैरेक्टर्स डाल दो। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, रिकंसिलेशन अकाउंट, ये बोल रहा है नो एंट्री ऑप्शन अवेलेबल। तो
एज रीएनवेंडर कस्टमर या एसेट्स, तीनों में से किसी भी टाइप का अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें एक रिकंसिलेशन अकाउंट चाहिए होती है। रिकंसिलेशन अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिसमें डायरेक्टली पोस्टिंग नहीं हो सकती है, ठीक है। okay. उसमें जब भी पोस्टिंग होगी तो वेंडर कस्टमर या एसेट अकाउंट के थ्रू ही होगी। ओके okay. तो वो क्रिएट करना पड़ेगा हमें कहां जाके, FS00 में, GL मास्टर रिकॉर्ड, GL अकाउंट, इंडिविजुअल प्रोसेसिंग, FS00 मेंटेन सेंट्रली। अब तुम्हें पता होना चाहिए अकाउंट ग्रुप जिसमें बनाना है हमने ये वेंडर का अकाउंट। एक बार सर्च करें हमारे क्या अकाउंट्स बन चुके हैं। ठीक है, 2010 एंड ऑल दैट, ठीक है, इसमें नहीं पता हमें। तो पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अकाउंट ग्रुप का विंडो खोलना पड़ेगा। तो /O OBD4 ले ले। ओके okay. इससे अकाउंट ग्रुप का पता चलेगा। अब यहां पे डालो तुम MOZ1। अभी यहां चेक करो सन्ड्री क्रेडिटर, जो जहां जिसमें लिखा होता है ना, सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब होता है तुम्हारे वेंडर्स, ठीक है। ओके okay. इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग वेंडर्स भी बोलते हैं। और जो तुम्हारे डेटर्स होते हैं ना, वो डेटर्स तुम्हारे कस्टमर होते हैं। ओके ठीक है, अभी सेव कर दो। तो ग्रुप क्या है उसका, 1200 से 1299 वेंडर्स का ग्रुप है, राइट। ओके तो यहां से उठाओ, क्या है 1200 से लेके सेलेक्ट करो, ये बोला डज नॉट एग्जिस्ट, कंटिन्यू करो। यहां से क्लिक करोगे आप क्रिएट बटन पे और अकाउंट ग्रुप का नेम आप ले लो सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। बैलेंस शीट अकाउंट है ये, यहां लिखो आप वेंडर जनरल, सेम नीचे आप पेस्ट करोगे, कर दिया। अभी कंट्रोल डेटा पे जाएंगे, इसमें एक यूनिक सेटिंग होती है रिकंसिलेशन अकाउंट फॉर अकाउंट टाइप। जब तक ये काम नहीं करोगे, ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास जीएल अकाउंट्स नहीं है, राइट। पर यहाँ क्यों नहीं आ रहे रिकंसिलेशन में, बिकॉज वो अकाउंट्स की प्रॉपर्टीज ऐसी नहीं है जो कि यहाँ उसको डिस्प्ले कराए, तो वो प्रॉपर्टी डालनी पड़ेगी हमें। उस डालने के लिए वो प्रॉपर्टी होती है रिकॉन अकाउंट फॉर अकाउंट टाइप, इसमें जाओगे और वेंडर सेलेक्ट करोगे, ठीक है। जैसे आप वेंडर सेलेक्ट करोगे, उसके बाद लाइन आइटम डिस्प्ले और 001 डाल देना, समझ आ रहा है। ओके okay. अभी क्रिएट बैंक इंटरेस्ट में जाओ और यहां से सेलेक्ट करना है G0N67, सर्च करो नीचे, ये रहा रिकंसिलेशन अकाउंट्स जी, ठीक है, ये सेलेक्ट करना है और इसको सेव कर देना है। ये बन गया हमारा एक वेंडर। ये देखो, एक मिनट रुकना, मैं प्लग इन कर लूं लैपटॉप को। ओके Thank you.
क्या बोल रहा है वो, अभी नहीं होगा जी पागल है जी, पैसे पार्टी के सामने कुछ कर रहा हूँ टाइम के काम नहीं कर रही ना, तो बस बहुत तो टाइम की थी अब मैं कहीं भी करवा लेते वैसे नहीं चलो ठीक सॉरी मोइस। यस सर। हाँ ये अकाउंट बन गया, एक और अकाउंट हम बनाएंगे वन टाइम वाले वेंडर्स के लिए, ठीक है। हमारे पास दो तरह के वेंडर हैं, एक वन टाइम वेंडर एक नॉर्मल वेंडर जी। एक अकाउंट हम क्रिएट करेंगे वन टाइम वाले वेंडर्स के लिए। ओके तो वन टाइम वेंडर का अकाउंट थोड़ा सा स्पेस बीच में छोड़ दो और पुट वन मे बी वन जीरो 1210 ले लिया। अभी क्या करो इसको क्रिएट विद टेम्पलेट कर दो, अभी जो अकाउंट बनाया है उससे MOZ1 हमारा कंपनी कोड है और यहाँ पे अभी कौन सा अकाउंट बनाया हमने 1200 एंटर हिट करेंगे अभी इधर आ जाएंगे, जो वेंडर जनरली आवा है ना इसको दे देंगे हम लोग वेंडर OTV मतलब वन टाइम वेंडर, ठीक है। अभी इसको सेव कर दो, दो वेंडर के अकाउंट हमारे बन गए जी, ठीक है। अभी अब जाके सेलेक्ट करके देखो तो यू विल फाइंड कि यहां पे दो एंट्रीज है, ओके ठीक है। अब इनमें से एक सेलेक्ट कर लो, एक शॉर्ट की डालेंगे हम लोग 001 और फिर एक कैश मैनेजमेंट ग्रुप लेना है हमें, कुछ भी ले लो A1 डोमेस्टिक पेमेंट्स AP आ जाएगा। उसके बाद एंटर हिट करेंगे, इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट विंडो आएगी एंटर हिट करने के बाद AI पेमेंट टर्म। पेमेंट टर्म के अगल में बगल में हम क्या करते हैं बेसिकली ये अलग अलग तरह के पेमेंट टर्म है, ये बताता है कि तुम्हारा क्या हिसाब किताब है अपने वेंडर के साथ, ठीक है। हाउ डू यू वॉन्ट टू पे योर वेंडर्स, क्या फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, ओके ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी कहने का मतलब है कि तुम्हें टाइम दे रहा है पेमेंट करने के लिए, मान लो जैसे दूसरा वाला है 45 डेज का टाइम है, 30 दिन में पे कर दोगे 2% मिलेगा, 14 दिन में कर दोगे 3% कैश डिस्काउंट मिलेगा। यदि ऐसा कुछ हो तो इनमें से सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज फर्स्ट वाला 0001। एक सेकेंड ठीक है, ये डालने के बाद एंटर हिट करेंगे, डनिंग प्रोसेस में कुछ भी नहीं लेना है, इसको इग्नोर करना है और फिर वेन अपने आप बोलेगा सिस्टम लास्ट स्क्रीन रीच डू यू वांट टू सेव द डेटा, कैंसिल करोगे तो उसी विंडो पे रह जाएगा। यू कैन अब कुछ चेंज करना हो तो ये ऊपर बटन देख रहे हो प्रीवियस और नेक्स्ट वाला जी, प्रीवियस करोगे तो पिछले विंडो पे चले जाओगे, ठीक है, नेक्स्ट करोगे तो फिर आगे मूव कर सकते हो। तो दिस इज हाउ यू कैन नेविगेट अराउंड द विंडो, ठीक है। सेव करोगे तुम्हारा वेंडर सेव हो जाएगा। सही है। ओके एक वेंडर क्रिएट हो गया 11,000। अब इसमें कुछ चेंज करना हो तो यू कैन गो टू वेंडर एंड चेंज, दोबारा नया क्रिएट करना हो तो मान लो एक तो हमने बना दिया सॉफ्टवेयर में, अब एक किसी और ग्रुप में बना लेते हैं,
मान लो कि एमओजे टू एडमिन वेंडर, ठीक है, एंटर, टाइटल में दो कंपनी और यहां लिख दो एडमिन वेंडर वन, चलेगा? ओके, यहां डालनी है सिटी, पूछ दे दो रावलपिंडी से ही, यहां कंट्री देना है और जब यहां रीजन सेलेक्ट करोगे, यदि तुम्हें स्टेट सेलेक्ट करना हो तो यहां से अपने स्टेट या अपना एरिया भी सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, पास यहां हमने आईएन दिया इसलिए ये लिस्ट आ रही है, इसको पीके कर दो। अब चेक करो कंट्री की में पीके डाल के, कोई नहीं दे रहा, कोई सा भी फील नहीं आ रहा, एक मिनट पीछे आते हैं दोबारा से करते हैं। यूटीसी 3+ आ रहा है ना जी, टाइम जोन तो अलग होता है कुछ, प्लस आ ही रहा शायद। अच्छा, इसमें तो अपडेट नहीं है, सिस्टम में अपडेटेड नहीं है सब, कोई बात नहीं, इग्नोर करो, आगे चलो। कंट्रोल में कुछ नहीं डालना है, पेमेंट ट्रांजेक्शन का विंडो इसमें भी कुछ नहीं डालना है, कॉन्टेक्ट पर्सन में कुछ रैंडम वैल्यूज फिर से फिल कर दो, एंटर, आगे बढ़ेंगे। रिकंसिलिएशन अकाउंट में इस बार भी हम कौन सा लेंगे, जनरल वेंडर वाला, वेंडर जनरल, ठीक है। शॉर्ट की में डालेंगे हम लोग 001, ठीक है, और कैश मैनेजमेंट ग्रुप में डालेंगे A1 वापस से। नेक्स्ट पेमेंट टर्म में डालो 0001, ये डनिंग में कुछ भी नहीं डालना है, सेव कर लेंगे, डन। दो वेंडर बन गए, दो अलग अलग ग्रुप में, एक वेंडर ग्रुप में तुम कितने भी बना सकते हो। अगला देखते हैं, थ्री, ये वन टाइम वेंडर है, इसमें एक ही वेंडर बनेगा, बाकी के दो ग्रुप थे एमओजेड वन और टू वो नॉर्मल वेंडर थे, तो उसमें जितनी मर्जी वेंडर बनाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोल रहा है एक्सटर्नल नंबर रेंज असाइनमेंट फाउंड, तो एक्सटर्नल नंबर है, लास्ट टाइम जब हम क्लास में थे डिस्कस कर रहे थे एक्सटर्नल और इंटरनल नंबर रेंज क्या होता है, राइट? जी, एक्स इंटरनल कहने का मतलब कि आप उन नंबर्स को इंटरनली असाइन करते हो, और एक्सटर्नल कहने का मतलब कि हमें बाहर से देना पड़ेगा नंबर उसको। तो ये 21 है, ये एक्सटर्नल असाइनमेंट है, कैसे पता लगेगा कि एक्सटर्नल है, पहले चेक करो कौन सा नंबर है, 28 डाला हुआ है, अब ये 28 पे स्क्रॉल कर लो, ये रहा 28, 11040 से लेके 11059 तक का ग्रुप है, ठीक है, ये है। तो 11040 में भी पहला ही नंबर यूज कर लो, 11040 कर लिया, क्योंकि इसको नहीं दोगे ना तो व्हाट सिस्टम विल डू, ये बोलेगा कि तुम्हें नंबर डालना है, ये क्या है, एक्सटर्नल असाइनमेंट है इसमें, तो नंबर डाल दो। इससे पहले जो आप MOZ1 MOZ2 पे जो करा था हमने, उसमें तो हमने नहीं दिए थे इसके नंबर्स, तो उसका कारण है, देखो यहाँ पे इसमें एक्स लगा हुआ है, अच्छा ये देख रहे हो 28 में, जी जी, इसमें एक्स लगा है, एक्स कहने का मतलब हुआ कि नंबर रेंज एक्सटर्नल है, मतलब यूजर को बाहर से डालना है, इसका मतलब ही यही है, ठीक है। और बाकी के जो दोनों हैं उनमें कोई भी इंडिकेटर नहीं लगा हुआ है, तो वो नॉर्मल प्लेन है जो सिस्टम को हमने छोड़ दिया, मतलब इंटरनल कहने का मतलब हमने सिस्टम छोड़ दिया कि वो अपने आप इस रेंज के बीच से नंबर उठा के दे वेंडर को, ठीक है, मतलब वन टाइम वेंडर्स जो होते हैं हम एक्सटर्नली उनको असाइन करते नंबर। हाँ, कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अच्छा तुम कर सकते हो, तो हमने करके दिखाया है 11040 एंटर। नॉर्मल वेंडर को भी वन टाइम तुम साइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वन टाइम में एक ही वेंडर क्रिएट होता है, एक से ज्यादा वेंडर हम क्रिएट नहीं करेंगे वन टाइम वाले केस में, जी जी, ठीक है, ओके। चलिए अभी एक नाम में इसका लिखेंगे वन टाइम वेंडर, अब उधर साइड में लिख दो आप इसका कुछ, एंटर कर दो डिटेल लाइक कंपनी का नाम डाल दो MOZ1, ठीक है, ओके। सिटी में डालो कुछ भी, सिटी में डालना क्योंकि वन टाइम है ना, तो हर बार अलग अलग सिटी आएगी। वन टाइम वेंडर वो वेंडर्स होते हैं जो तुम्हारे रेगुलर वेंडर्स नहीं है, तो तुम क्या करते हो उनके केसेस में, जब भी उनके लिए एंट्री कुछ आती है तो उसमें उसको हम वन टाइम के थ्रू कराते हैं। उसका रीजन क्या है वन टाइम के थ्रू कराने का,
कि हर बार यूनिक कोड जनरेट होगा उसके लिए और उसका मास्टर रिकॉर्ड इनवॉइस करने के टाइम पे ही क्रिएट होगा, उससे पहले क्रिएट नहीं होगा, ठीक है? ओके, तो सिटी में डाल दो, कुछ भी में डालो, ब्लैंक छोड़ दो, कंट्री भी डालना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज स्कूल है। नेक्स्ट, पेमेंट ट्रांजेक्शन, कॉन्टेक्ट पर्सन में एंटर डाल दिया कुछ भी। रिकॉर्ड अकाउंट हमारा क्या है इस बार, हम क्या लेंगे, दूसरा वाला जी, जो 1210 है, ये ले लिया। टैब, शॉर्ट की में 001, कैश मैनेजमेंट ग्रुप में A1, ठीक है। पेमेंट टर्म्स में अभी हम 0001 ही लेके चल रहे हैं, ठीक है, बाकी दूसरे तरह की जो डिटेल्स होगी वो बाद में देखेंगे जब कैश डिस्काउंट का सेटअप करेंगे ना, तो इसको अभी हम लोग 0001 ही लेके चल रहे हैं, मतलब इमीडिएटली है पेमेंट ड्यू, ठीक है। ये वन टाइम वेंडर भी क्रिएट हो गया, तो तीन वेंडर तो हमारे क्रिएट हो गए, राइट। एक सेटिंग करनी होती है हमें टॉलरेंस ग्रुप की, कहां से करेंगे देखते हैं, एसएपी रेफरेंस आईएमजी, हाँ चलिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, अभी चलो ARNAP, अभी चलोगे आप बिजनेस ट्रांजेक्शन पे, उसके बाद चलो ओपन आइटम क्लियरिंग पे, देन जाओगे क्लियरिंग डिफरेंसेस पे, और इस बार हम करेंगे असाइन टॉलरेंस ग्रुप फॉर कस्टमर एंड वेंडर, ठीक है। न्यू एंट्री पास करेंगे, कंपनी कोड में डालना है MOZ1, ऑलरेडी हम लगता है पिछली क्लास में हम कर चुके हैं ये काम, एंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। बंद कर दो इसको, कैंसिल करो, अभी चले जाओ पोजीशन बटन पे, ग्रुप में मत डालना केवल कंपनी कोड में डालना, ये देखो बन चुका है ना पहले जी, राइट, बस यही बनना था। एक चीज जरूरत होती है ताकि कस्टमर वेंडर्स की पोस्टिंग जा सके, अब जो आप सिस्टम में जाके वेंडर का इनवॉइस क्रिएट करोगे तो सिस्टम एक्सेप्ट करेगा, चलो अभी कहां से करना है, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग AP, देन चले जाओ डॉक्यूमेंट एंट्री में आप, और FB60 इनवॉइस में चले जाओ, अभी आ जाओ आप MOZ2 दिखा रहे हैं ना कंपनी को, इसको चेंज करो, इसमें MOZ1 में, वेंडर ने किसमें बनाए हैं, MOZ1 में बनाए हैं, कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद ये रहा हमारा एक्सेंचर, एक कोई भी वेंडर ले लेंगे, ठीक है, 20/09/2016 डेट डाल दिया, उसके बाद अमाउंट डालेंगे 90,000, और यहां हमेशा परचेज अकाउंट डालेंगे, कंटिन्यू करेंगे, नीचे आओ, यहां लेंगे कौन सा 4500, परचेज का अकाउंट यही है 4500 जी, कंटिन्यू करो, और यहां पे एक स्टार डालो, अमाउंट को ऊपर से कॉपी कर लेगा ये नीचे, ऊपर अकाउंट डालने का मतलब हो गया कि आप वेंडर को ऑलरेडी क्रेडिट कर रहे हो, तो वेंडर को ऑलरेडी क्रेडिट कर रहे हो तो दूसरी इंफॉर्मेशन बस डेबिट की देनी होगी हमें जी, तो नीचे हमने 4500 में क्या दे दिया, डेबिट दे दिया, तो ये ट्रांजेक्शन पूरा हुआ। जैसे जीएल में क्या करते थे, एक ऊपर देते थे, एक ऊपर नीचे, एक दूसरे के नीचे देते थे, एक डेबिट ऊपर फिर उसके नीचे क्रेडिट करते थे जी, ऐसा कुछ करते थे, राइट जी,
पर यहां पे हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। ओके यहां पे हम क्या करेंगे, एक एंट्री ऊपर वेंडर का जैसे ही लिखते हैं, लिखते ही वो क्या हो जाता है, क्रेडिट क्रेडिट, और उसके नीचे हमें डालनी होती है क्या, डेबिट, ठीक है। ये हो गया आपका काम, अभी आप इसको सिमुलेट करो। अभी सिमुलेट करने के बाद थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखेगा यहां पे, क्या डिफरेंस दिख रहा है बताओ मुझे, जज करो और बताओ। सर ये जो जो है पीके में 31 आया है, 50 होना चाहिए, मतलब पीके डेबिट में कितना आया है, 31, ठीक है, तो 40 50 कितना होना चाहिए, चाहिए आपको, 50। नहीं वो होता है जीएल के लिए, अच्छा वो जनरल लेजर के लिए होता है, ओके ठीक है। अकाउंट्स पेएबल में क्या चलता है, 31 और 40, 31 किसके लिए, क्रेडिट के लिए, और 40 डेबिट के लिए, ओके ठीक है। ओके चलिए इसको आप क्या कर देंगे, पोस्ट इनवॉइस जनरेट हो गया। जीएल में पहले हम कुछ पेमेंट वेमेंट का कुछ नहीं करते थे, राइट, ऐसे ही इनवॉइस करते थे, डेटा पोस्ट किया, बात खत्म, राइट, वही होता था जी। पर यहां एपी में कॉन्सेप्ट आएगा आपके पास इनवॉइस का और पेमेंट का। अब चलो पहले बैलेंस चेक करते हैं, बैलेंस कहां चेक करेंगे, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, एपी में, और यहां से चले जाएंगे हम अकाउंट में, और वहां से एफबीएल 1N के अंदर डिस्प्ले चेंज लाइन आइटम में, ठीक है। वेंडर का अकाउंट नंबर डालो यदि आपको याद है तो, नहीं हो सर्च कर लो, और नहीं डालना तो मत भी डालो। यहां से क्या दिखा रहा है, ओपन आइटम दिखाएगा, ये ओपन आइटम का मतलब जिसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। ये बातें हम क्यों नहीं कर रहे थे जीएल में, बिकॉज जीएल में ओपन और क्लोज आइटम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहता है। जी क्या होता है ओपन आइटम में, आपको क्या करना है, इस डेट पे जितने भी अभी तक के ओपन आइटम्स होंगे, मतलब जो पेमेंट नहीं हुई है जिनकी, वो सब दिखाएगा, ठीक है। तो एक्सिक्यूट करो, मैं वेंडर का नंबर ब्लैंक छोड़ा है तो सबको ही दिखाएगा जिसमें इनवॉइस होगी। तो ये क्या दिखा रहा है, 90,000 रुपीज का एक इनवॉइस है यहाँ पे, जी ठीक है, और ये रेड कलर में है। रेड कलर में होने का मतलब हुआ कि ये ओपन है, ओपन करने का मतलब हुआ ओपन आइटम उसको बोलते हैं जिसकी पेमेंट या तो आनी है या जानी है। ओके तो अभी वेंडर से हमने सामान खरीदा, वेंडर से क्या कहते हैं, सामान खरीदते हैं, राइट। ओके तो वेंडर से हमने अभी 90,000 रुपीज का कोई सामान खरीदा, अब इसके बदले में वेंडर को पेमेंट करनी है, आउटगोइंग पेमेंट हमारी तरफ से पेमेंट जाएगी किसको, वेंडर को, जो हमारा वेंडर है। तो वेंडर को पेमेंट करने के लिए एक नया विंडो खोलेंगे, चले जाएंगे अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एपी, अभी आ जाओ डॉक एंट्री, यहां देखो इससे लास्ट में होगा आउटगोइंग पेमेंट का फोल्डर, और F-53 पोस्ट को डबल क्लिक करेंगे, कर दिया। सबसे पहले डालनी है क्या, डेट, क्या है डेट, आज 29th है, सॉरी 20th है, 20th 09 2016 इज द डेट। अभी बैंक अकाउंट नंबर क्या है आपका, 2010, ये हमने लिया हुआ है, और पेमेंट कितनी करनी है, 90,000 की, कर दी जी। क्योंकि ये ट्रांजेक्शन किसका है, वेंडर का है, तो हमें एक वैल्यू डेट भी लेनी पड़ेगी, ले लिया। अकाउंट में आके वो वेंडर अकाउंट सेलेक्ट करो जिसमें इनवॉइस है, तो चेक कर लो बैलेंस डिस्प्ले में आके कौन सा वेंडर अकाउंट है, ये एक्सेंचर है, राइट, 11,000, चलो यहां पे सेलेक्ट करो एक्सेंचर, जिसमें नहीं हो आइटम उसको सेलेक्ट करोगे तो पेमेंट जाएगी नहीं, ठीक है, मैच होना चाहिए इनवॉइस का डिटेल और यहां जो अमाउंट एंटर कर रहे हैं वो, ठीक है, ले लिया। अभी उसके बाद काम क्या करना है, प्रोसेस ओपन आइटम पे क्लिक करना है, जैसे ही करोगे ये इनवॉइस दिखा दिया, केआर टाइप का 19,000 डॉक्यूमेंट नंबर है, बैलेंस डिस्प्ले में चेक करो जरा कितना है, 19,000 डॉक्यूमेंट का नंबर है वो शो कर रहा है, और कितने का पेमेंट हम करना चाह रहे हैं, 90,000 का, ठीक है। यहां देखो नीचे अमाउंट एंटर्ड, वो अमाउंट है जो हमने इस विंडो पे आने से पहले मैनुअली टाइप किया था, ठीक है, और असाइंड वो अमाउंट है जो इस इनवॉइस का टोटल पेमेंट ड्यू है, ओके
पेमेंट करने के लिए एसएपी में अमाउंट एंटर्ड हमेशा बराबर होना चाहिए अमाउंट असाइंड के, और नॉट असाइंड का वैल्यू होना चाहिए जीरो। इन केस कुछ डिस्काउंट देना हो, मान लो तुम्हें डिस्काउंट देना है 1500 रुपए का इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ टाइप कर दो, अपने आप ले लेगा। ले लिया, अभी कितना दिखा रहा है अमाउंट, 88500 जी। चलो, या तुम्हें चाहिए था कि चलो 5% डिस्काउंट देनी है, तो 5% वाले में, ये परसेंटेज वाले में डाल दो 5। देखो ले लिया उसने 4500 का डिस्काउंट, अपने आप पिक कर लिया उसने, ठीक है। नहीं देना तो नॉर्मली सबको डिलीट कर दो और एंटर कर दो। अब कितना हो गया, अमाउंट एंटर्ड बराबर हो गया अमाउंट असाइंड के, और नॉट असाइंड जीरो है, यही एक सिंगल क्राइटेरिया है पेमेंट करने का। ओके, ये मैच नहीं हो रहा तो पेमेंट नहीं होगा। अभी कहां जाना है, डॉक्यूमेंट पे, सिमुलेट पे, और उसके बाद करना है तुम्हें क्या, पोस्ट, ठीक है। ओके, करवा लिया पोस्ट, ये पोस्टिंग थी। अब देखो पोस्टिंग की क्या हो गई, अब बताओ पोस्टिंग 50 और 25 हो गई। चेक करें जरा कंपैरेटिवली, अगल बगल में रख के चेक करते हैं दोनों को। वो तो 31 और 40 तो हमें पता है क्या है, 31 मतलब वेंडर का क्रेडिट और 40 मतलब पीएल का डेबिट। जीएल डेबिट है, परचेज अकाउंट तो जीएल अकाउंट है, राइट जी। अभी यहां चेक करो, 50 तो हमें पता है क्या है, 50 क्रेडिट एंट्री है, राइट। 25 क्या है वो देखना है, 25 वी फॉर वेंडर, डी फॉर डेबिट, क्या है, डेबिट है वेंडर का जी। तो एक जगह पे यहाँ पे वेंडर क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड में वेंडर का था क्रेडिट हो रहा है 31 से जी, राइट। तो जब डेबिट और क्रेडिट दोनों हो रहा है तो एक तरफ ये माइनस है, देखो 90,000 के ऊपर क्या है, माइनस का साइन है, इधर 90 के ऊपर प्लस है, कुछ भी नहीं है, राइट जी। तो 90,000 पहले माइनस था फिर प्लस हो गया, मतलब वेंडर ने हमें सामान दिया और हमने बदले में इसको पैसा दिया, राइट। तो ये वेंडर का लायबिलिटी और ये पेमेंट दोनों मिला के क्या हुआ, कैंसिल हो गया एक दूसरे से। ओके, इधर माइनस में 90 है, इधर प्लस 90 हो गया, तो बराबर हो गया जी। तो ये ट्रांजेक्शन आपस में कैंसिल हो जाते हैं, फिर बचता क्या है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अकाउंट नंबर 2010 जो भी है, पोस्टिंग की 50 जो यहाँ दिख रहा है, राइट। ओके, और दूसरा दिख रहा है परचेज एंट्री, याद करो जीएल में हम ऐसा एंट्री कुछ पोस्ट करते थे जी जी। तो यही कारण है कहने का कि सारी जितनी भी ट्रांजेक्शन जाती है अराउंड द वर्ल्ड वो जीएल के थ्रू ही जाती है, ठीक है। तो जीएल क्या है, बेस है सब चीजों का। ओके, ठीक है, ठीक है, चलो अभी जरा जाके पीछे चेक करोगे आप तो यू विल फाइंड कि अब ओपन आइटम कुछ है ही नहीं। ऑल आइटम पे चेक करोगे तो जो पता लगेगा, जो लाल था वो अब हो चुका है कैसा, ग्रीन। हो गया ग्रीन, चलिए ग्रीन कहने का मतलब कि आइटम क्या हो गया, क्लियर हो गया। ओके, और रेड का मतलब कि आइटम अभी क्या है, ओपन है, ओपन मतलब उसकी पेमेंट अभी जानी है। ओके, ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। चलो अभी फिर से जैसे ही एक नया इनवॉइस पोस्ट करोगे, मान लो दूसरा कोई वेंडर ले लेते हैं, ये तो एमओजेड वन था,
एडमिन वेंडर वन को पकड़ते हैं, डेट डाल दो, डाल दिया, एक कोई भी अमाउंट ले लो, मान लो 9000 का कुछ हमने परचेज किया, ठीक है, यहाँ इस अकाउंट में डालेंगे 4500 और यहाँ पे डालेंगे हम स्टार, स्टार क्या करेगा अमाउंट को ऊपर से कॉपी कर लेगा, सिमुलेट करेंगे, फिर से 31 और 40 वाला सीक्वेंस रन होगा और पोस्ट। अभी बैलेंस डिस्प्ले पे आके चेक करेंगे तो यू विल फाइंड कि एक लाल रंग में एंट्री फिर से आ गई है, तो पोस्ट नहीं हुआ, चाब हुआ है। अभी लिस्ट और रिफ्रेश करो, 3 आइटम्स डिस्प्ले दिखा, एक दो ही आइटम रहा है, एक मिनट फिर से कैसे अच्छा दूसरा वेंडर लिया हमने ना, सी वेंडर नंबर एडमिन वेंडर वन को हमने कितने का इनवॉइस पोस्ट कराया 9000 का, राइट, ये अलार्म दिखा रहा है कि ये आज के डेट में ड्यू है, मतलब आज ही इसकी पेमेंट करनी है हमें, राइट। एक और चीज ऊपर जाओगे तो ध्यान में दोगे आप कि जो हमारा इनवॉइस था 19000 जो पहले बना था उसका टाइप क्या है, KR है, राइट, और जो पेमेंट है उसका टाइप क्या है, KZ है जी, ठीक है, KR एंड KZ, KZ क्या होता है पेमेंट डॉक्यूमेंट नंबर होता है और KR क्या होता है इनवॉइस होता है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले क्या क्रिएट होती है, इनवॉइस क्रिएट होती है और फिर क्या क्रिएट होता है पेमेंट, पेमेंट कर इनवॉइस करोगे तो वो रेड रहेगा और जैसे ही उसका पेमेंट कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो अभी क्या है ये रेड है, मतलब ये आइटम अभी ओपन है, सही है, ओके। चलो इसका पेमेंट करते हैं फिर से, बैक डेट ले लो आज की, अकाउंट में 2010 लेते हैं, बैंक अकाउंट नंबर कितने का इनवॉइस है 9000 का, 10 हटा दीजिए, वेंडर नंबर हमारा क्या है एडमिन वेंडर है, इस बार वो पिछले वाला वाला वेंडर नहीं है तो ले लो, अभी क्लिक करो प्रोसेस ओपन आइटम पे, इसको वैल्यू डेट चाहिए, वैल्यू डेट दे दो, अभी यहां देखो फिर से मेरा PKR ग्रॉस 9000 वही अमाउंट कहाँ असाइन में है ऊपर वाला, ठीक है, और ये वो अमाउंट है जो हमने डाला है एंटर्ड वाला 9000, दोनों अमाउंट मैच हो रहा है जी, और नॉन मैचिंग वाला क्या है जीरो है, तो पेमेंट तो कर ही सकते हैं। जैसे ही इसको सेव करेंगे इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला जो आइटम है वो क्या हो जाएगा फिर से ग्रीन, रिफ्रेश करते हैं ग्रीन हो जाएगा, देखो ये तो 90000 वाला इनवॉइस था, अभी आ जाओ देखो ये 9000 वाला है ये भी ग्रीन हो गया जी, जो लाल था वो ग्रीन हो गया, सही है, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट है इनवॉइस का और पेमेंट का, ठीक है, ओके। अभी अगला जो कॉन्सेप्ट है एक और तरीका है इनवॉइस पोस्ट करने का, क्या है F-43 इनवॉइस जनरल, जैसे था ना वहां पे FB50 और F-02 जी, उसी तरीके से यहाँ पे F-43 होता है वेंडर में, ठीक है, डबल क्लिक करोगे सबसे पहले डालोगे डेट 20th, 31 अपने आप आता है पर चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है, 31 मतलब वेंडर का क्रेडिट, अब सेलेक्ट करोगे क्या वेंडर का अकाउंट,
मान लो एक्सेंचर ले लिया, ठीक है, अभी यहाँ एंटर करो, इसका अमाउंट डलेगा अगले विंडो पे, तो डाल दो 70,000, ठीक है, पोस्टिंग की में डालो 40, 31 के साथ क्या यूज करते हैं, 40 यूज करते हैं, फिर से क्या लेंगे, परचेज अकाउंट, उसके बाद एंटर एंटर सिमुलेट और पोस्ट कर दो, डन। जैसे इनवॉइस, ऐसे भी इनवॉइस पोस्ट कर सकते हैं, ये भी सेम तरीका है, बस थोड़ा सा डालने का डिफरेंस है, जैसे आप एंट्री डालते हो, ठीक है, इस बैलेंस को फिर चेक कर सकते हो कहां पे, FBL 1N में, या फिर दूसरा तरीका होता है, दूसरा भी तरीका देख ही लो, F दूसरा है यहाँ पे अकाउंट में, एंड F के 10N डिस्प्ले बैलेंसेस में, ठीक है, यहाँ पे वेंडर नंबर डालो, कोई डेटा नहीं है इसमें, ठीक है, 11100 था ना, 11,000 का एक्सेंचर, वही देखो बैलेंस कितना दिखा रहा है, 70,000 दिखा रहा है जी, इतने की इनवॉइस हमने पोस्ट की थी, डबल क्लिक करो, बात सुनो, ये रहा, दो आइटम इसमें के पे हो चुके हैं, पेड हो चुके हैं जी, ठीक है, और एक आइटम क्या है, अब भी ओपन है ना, ओके, तो क्या करना है, इसको वापस से पे करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, अब मान लो ये क्या दिखा रहा था, 70,000, तो अभी तक तो जो हम पेमेंट करते आ रहे थे वो क्या कैसे कर रहे थे, पूरा पूरा पेमेंट कर रहे थे, पर यदि हमें थोड़े थोड़े पेमेंट करने हो तो कैसे करेंगे, जाओ F-53 सेम ट्रांजेक्शन में, और अकाउंट अकाउंट सेलेक्ट करो, इंस्टीड ऑफ मेकिंग द होल 70,000 एक वैल्यू डेट डाल दो, पूरा पेमेंट डालने की जगह पार्सियल अमाउंट डालो, मान लो हमें कितना पे करना है, 20,000 पे कर रहे हैं, एक सेकेंड अमाउंट चेंज कर देंगे, अभी जरा वेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं, पहले एक्सेंचर था ना जी, ₹2 की पेमेंट करवाएगा ये, एक सेकेंड होल्ड करना, चलो ₹2 सही, ठीक है, ओके, मान लो आईफोन का ऑफर है, ₹2 पे करो फोन ले जाओ, ठीक है, बाकी जाएगा किसमें, टाइम में, दूसरे तरीके में, तो क्या करना है हमें, जो भी डिफरेंस का अमाउंट है कितना है, 69,998 है, तो इतने को एडजस्टमेंट पोस्टिंग में डालना पड़ेगा, एक तरीका है इसको इसमें डाल दो, डाल दिया, ये जीरो हो गया नीचे वाला, नॉट असाइन वैल्यू जी, अभी इसको सिमुलेट कराओगे, यू विल फाइंड कि इतना एडजस्टमेंट पोस्टिंग में जा रहा है, और नेक्स्ट टाइम जब कोई भी पेमेंट होनी होगी ना, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है, होल्ड करना एक सेकेंड, और ये प्रॉपर तरीका नहीं है करने का, ये तब थोड़े बहुत पैसे जब ऊपर नीचे हो रहे हैं ना, तो उसको एडजस्टमेंट पोस्टिंग में डालते हैं, पर यहाँ वैल्यूज क्या है, लंबी तगड़ी है, अकाउंट सेलेक्ट करो, हम कितना पेमेंट करने का सोच रहे थे, 20,000, चलो पे कर देते हैं, ठीक है, ओके, मेरा वेंडर नंबर हमारा, एंटर करो, एंट्री दे दो वैल्यू रेट में, दे दिया, आउट ऑफ 70 कितना पे कर रहे हैं, 60 पे कर रहे हैं, राइट जी, 10,000 का इनकमिंग बच जाएगा, तो एक काम तो ये कर सकते हैं, इसको एडजस्टमेंट में डाल दिया, डबल क्लिक करोगे इस थाली बॉक्स में, तो ये अमाउंट नीचे से उठ के इसमें आ जाएगा, और तुम पेमेंट कर सकते हो 60 का,
एक अकाउंट से तुम 60 कर दिए, दूसरे अकाउंट से आके फिर बाकी आ कर दोगे, ऐसा कुछ हो तो ठीक है, फिर डबल क्लिक कर दो उसी में तो अमाउंट वापस से नीचे आ जाएगा। दूसरा तरीका होता है पार्शियल पेमेंट का। पार्शियल पेमेंट कहने का मतलब हुआ कि पार्ट पार्ट तुम पेमेंट कर रहे हो, एक बार में ना करके अलग अलग पार्ट्स में पेमेंट कर रहे हो, ओके ठीक है ना। चले जाओ यहां और 70,000 दिखा रहा है, इसको चेंज करके कितना कर दो, कितना पे कर रहे हो, 60 पे कर रहे हैं, डाल दिया। अभी देखो अमाउंट एंटर्ड बराबर हो गया असाइंड के और नॉट असाइंड जीरो, कहने का मतलब जो 70,000 का इनवॉइस था उसके अगेंस्ट हम 60 का एक पेमेंट कर रहे ओके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या करना है, अगला काम डॉक्यूमेंट करना है, सिमुलेट करना है और इसको पोस्ट कर देना है, ठीक है। पहली पेमेंट गई 60,000 की, साइड बाय साइड हम इसका क्या करेंगे, बैलेंस चेक करेंगे। रिफ्रेश करो इनवॉइस को, देखो कितना बच दिखा रहा है पेमेंट बचा हुआ 10, लेकिन अभी आइटम क्लियर नहीं हुआ है, दोनों आइटम अभी भी ओपन है। जब तक पेमेंट पूरी ये 70 की 70 नहीं चली जाएगी ये ग्रीन नहीं होगा, ये लाल ही रहेगा, ठीक है। ओके अभी आ जाओ वापस, अभी मान लो कर देते हैं कितने का, 5,000 का पेमेंट, ठीक है 11,000। अभी वापस से क्लिक करो प्रोसेस ओपन आइटम पे, ये वैल्यू डेट बार बार आ रही है, तो इसका इलाज करते हैं। ये वैल्यू डेट बार बार आए, तुम नहीं चाहते हो कि बार बार तुम्हें वो एंटर करना पड़े, जो डिफॉल्ट डेट है सिस्टम उसको उठा ले, ठीक है। तो एक ट्रांजेक्शन कोड है कॉल्ड है OBY6, इसको बोलते हैं कंपनी कोड ग्लोबल पैरामीटर्स। पोजीशन में जाओ, अपनी कंपनी कोड डाल दो, क्या है MOZ1, डाल दिया। अभी डबल क्लिक कर लो अपनी एंट्री पे और यहां देखो प्रपोज फिस्कल ईयर एंड डिफाइन डिफॉल्ट वैल्यू डेट। अब क्या होगा, जो करंट ईयर है उसको जितनी बार भी ईयर मांगा जाएगा सिस्टम अपने आप दे देगा, ठीक है, और जितनी बार भी वैल्यू डेट की बात आएगी सिस्टम करंट डेट को वैल्यू डेट बना के उस फील्ड में असाइन करा देगा नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स, अब जब भी करेंगे, ठीक है। अब इससे क्या होता है, ऐसा नहीं है कि ये वही रह जाएगा, ये कैन स्टिल चेंज है, ठीक है। अब की बार तो मान लो एक आखिरी बार हम डाल देते हैं, पर अगली बार से हमें नहीं डालना पड़ेगा। अभी देखो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया सिनेरियो, हम पेमेंट कितने का कर रहे हैं 5,000 और कितना कितना है, 10,000 5,000 का डिफरेंस है, राइट। फिर से जाएंगे कि हाँ पार्शियल पेमेंट में, अब तुम्हें क्या करना है, जो पेमेंट तुमने इससे पहली बार की है उसको डीएक्टिवेट कर दो, ठीक है। कैसे डीएक्टिवेट करनी है, ब्लू में दिख रहा है 60,000 ब्लू में लिखा हुआ है ब्लू कलर में, जी इसको डबल क्लिक करोगे तो वो ब्लैक हो जाएगा और ये फील्ड क्या होगी, गायब हो जाएगी, ठीक ओके है। अभी यहां से 70,000 को एडिट करो, एक सेकेंड मेरे कीबोर्ड में डिलीट का बटन ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। कितना पे कर रहे हैं, 5,000 यहां डाल दो 5,000, देखो ऑफिस हो गया वैसा ही, अमाउंट एंटर्ड इज इक्वल टू अमाउंट असाइन नॉट असाइन इज जीरो, पोस्ट करो। समझ में आया क्या किया, जी रिफ्रेश। अब इसको थोड़ा सा एक बार और खींचूंगा मैं ताकि पता लगे कि ये कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है। अभी देखो वैल्यू डेट अपने आप आ लिया, हमने कुछ किया इसको नहीं किया, ऑटोमेटिकली आ गया वैल्यू डेट। अभी चलो क्या करते हैं, 2,000 की पेमेंट कराते हैं, ठीक है, एक सेंचर में ही था। अब देखो अब नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ते जा रहे हैं, क्या करना है 60 को डीएक्टिवेट करो 5 को डीएक्टिवेट करो और जो 70 लिखा हुआ वहां पे क्या डाल दो, कितना कितना पे कर रहे 2 हो जाए, एंटर करो। देखो फिर से एंटर इक्वल टू असाइंड नॉट असाइंड 0 हो गया, इसको फिर से पे कर दो। आप आके रिफ्रेश करो, ये आइटम अब भी क्लियर नहीं हुआ है, एक और आइटम बढ़ गया, मतलब कहने का मतलब है जब तक पूरी की पूरी पेमेंट नहीं आती भले 10 बार ही बढ़ जाए डजंट मैटर्स, सिस्टम उसको
क्लियर नहीं करेगा। ओके ठीक है, अब चलो फाइनली पेमेंट कर दे इसकी अब। जी कितने करने हैं? 3000। अभी चलो बच्चा पूछा सब डाल दो। अच्छा, जब फाइनल पेमेंट जब कर रहे हो, आखिरी पेमेंट जो उसको कंप्लीट करेगा, तो तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बस मेन विंडो पे रहो और वहीं से पेमेंट कर दो। ठीक है? ओके। चलिए, एक सेकंड होल्ड कर। अभी कहीं जाने की जरूरत लग रही है? हमने क्या, पार्सल टैब में जाना भी नहीं है, स्टैंडर्ड टैब पे रहो, डॉक्यूमेंट में जाओ और सिमुलेट कर दो। 3000 का पेमेंट जैसे ही करोगे, सबका सब क्लियर हो जाएगा। लिस्ट करो, रिफ्रेश करो, एंड देखो सारे के सारे ग्रीन हो गए। ध्यान देना, इस रन में जितने भी आइटम इन्वॉल्व थे सबका क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर सेम है। Okay. अब ये क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर की क्या बला है? जिस डॉक्यूमेंट से सारा का सारा पेमेंट क्लियर हो जाता है, वो बन जाता है उसका क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर। ठीक है, अभी इस वाले में देखो, जो लास्ट पेमेंट कितने का गया है? 3000 का ना, या 3000। इसका डॉक्यूमेंट नंबर कितना है? 15005 है। पर ये 15002 क्यों नहीं बना, 3 क्यों नहीं बना, 4 क्यों नहीं बना इसका क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर? 5 ही क्यों बना, चूंकि 5 से फाइनल पेमेंट क्लियर हुई, तो वही बन गया इन चारों पांचों का क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर। ओके, डॉक्यूमेंट से पेमेंट क्लियर होता है, वो बन जाता है पेमेंट डॉक्यूमेंट नंबर। पिछली बार देखो, जो केआर टाइप का डॉक्यूमेंट है वो इनवॉइस है, तो ये इनवॉइस था 90,000 वाला, राइट? जी। और जिससे पेमेंट इसकी हुई, किससे हुई? 15,000 वाले से पेमेंट हुई इसकी। जैसे ही 15,000 वाला नंबर इसको दिखा, वो बन गया दोनों का क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर। ओके ठीक है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है किसका? पेमेंट का। एक और तरह की पेमेंट होती है, के नगेट्स। एक सेकेंड होल्ड कर। अच्छा, ये सब नई चीजें आई हैं सिस्टम। ठीक है, ये तो क्या था तुम्हारा? पार्शियल पेमेंट था। ठीक है, अभी आएंगे हम लोग रेसिडुअल के टर्म पे। रेसिडुअल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले ये समझते हैं। रेसिडुअल पेमेंट में जितनी बार भी आप पेमेंट करते हो, पुराना वाला नाम जैसे रेसिडुअल है, तो फुल पेमेंट तो होने रही है, फिर से इसमें पार्ट पार्ट में ही पेमेंट होगा। ठीक है, पर जितनी बार भी इसमें पेमेंट होगा, पुराना डॉक्यूमेंट को सिस्टम क्लियर कर देगा,
और नए डॉक्यूमेंट, एक नया डॉक्यूमेंट हर बार क्रिएट करेगा बचे हुए अमाउंट का। तो मान लो 20,000 का इनवॉइस पोस्ट किया और 15 पे कर दिया, तो 5,000 का नया इनवॉइस बन जाएगा और 20 वाला इनवॉइस जो है वो कैंसिल हो जाएगा, आई मीन क्लियर हो जाएगा। ओके ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। FD60 पे जाएंगे, अभी जाओ 11020 पे, एक सेकेंड होल्ड कर। ठीक है अभी आ जाओ अमाउंट पे, चलो 20 वाला एग्जांपल लेते हैं, 20,000 का यहाँ पे क्या लेंगे 40,500 और यहाँ ले लेंगे एक स्टार, अब इसको कर दो पोस्ट। ये कौन सा मीटर है, 11020 है। चलो इसका बैलेंस चेक करते हैं, बैलेंस चेक करेंगे क्या करते हैं, चलिए ये क्या है 20,000 का इनवॉइस है। अभी मैंने क्या कहा आपको, कि जितनी बार भी पेमेंट हो जाएगी पुराना डॉक्यूमेंट कैंसिल हो जाएगा और नया उसका क्रिएट हो जाएगा, राइट। चलिए पेमेंट करते हैं, इस बार वेंडर हमारा क्या है डिफरेंट है, कौन सा वेंडर लेगा 20, बैंक अकाउंट नंबर 2010, अमाउंट कितना ले रहे हैं मान लो हम पे कर रहे हैं 12,000, कितना कर रहे हैं 12,000। ठीक है पेमेंट कितना करना है 20 करना है, इस बार पार्सियल में ना जाके कहां जाएंगे रेसिडुअल आइटम्स में। ठीक है अभी ये 12 पे करने के बाद कितना बचेगा अमाउंट 8,000 जी, डाल दो माइनस के साथ डालना 8,000 रुपए वहां पे। ओके अभी नीचे देखो एंटर्ड इक्वल टू असाइंड हो गया, नॉट असाइंड 0, पोस्ट कर दो। अभी क्या हो रहा है सिस्टम को, इस स्क्रीन को ध्यान से देखना, ये था 20 का पेमेंट, ठीक है तो यहाँ 12 तो हम पे कर दिया हमने मनी में और 8 का नया इनवॉइस बना दिया, तो 12 प्लस 8 20 हो गया जी, और नीचे 20 प्लस में है, दोनों मिला के इन्होंने मामला बराबर कर दिया और ये 8 जो दिखा रहा है ना ये माइनस में ये नया इनवॉइस का वैल्यू है, इसको डबल क्लिक करो, ब्लू में जो आइटम रहे ना उसका मतलब होता है कि उसको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसको टेक्स्ट चाहिए था, एक टेक्स्ट दे दिया इनवॉइस वन करके, यहां से बैक हो जाओ, अभी देखो ब्लैक हो गया राइट। जब कोई आइटम बीच में ब्लू में आए ना या ऊपर नीचे कहीं भी ब्लू कलर में देखे मतलब उसको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, पोस्ट कराओ और आके चेक करो डिटेल लिस्ट रिक्वेस्ट। अभी कितने का आइटम बचा 8,000 का और इनवॉइस वन लिखा गया जी, एक मिनट बैक जाओ समझ में आएगा, और आइटम पे चेक करो और एक्सिक्यूट करवाओ इसको, ये देखो 20 वाला इनवॉइस क्लियर हो गया पूरा का पूरा जी, और कितने का इनवॉइस बन गया बचे अमाउंट का। ठीक है दोबारा करो, इसमें अमाउंट डाल दो कितना 8,000 का और अकाउंट नंबर ये है, प्रोसेस ओपन आइटम कर दिया, ये देखो 8 में 8 8 में 8 मिल गया, यदि कम करते तो उतने का रेसिडुअल में आके हमें माइनस में एंट्री भरनी पड़ती, पर हमने पूरा ही पेमेंट कर दिया 8 का तो दोबारा हमें करने की जरूरत नहीं है, पोस्ट कर दो
अभी आएंगे इसे इस पे वैलेंस चेक करने के लिए लिस्ट और रिप्रेस एंड सी सारा का सारा आइटम क्या हुआ क्लियर हो गया राइट तो आज हमने सीखा कि वेंडर का इनवॉइस कैसे पोस्ट करना है प्लस हमने देखा कि पेमेंट्स मैनुअल पेमेंट्स है ये जब मैनुअली पेमेंट करते हैं ना वो सारे पेमेंट है मैनुअल में तीन तरह की पेमेंट होती है फुल क्लियरिंग रेसिडुअल क्लियरिंग और पार्शियल ठीक है हाँ तो ये सब तो हो रेफरेंस डॉक्यूमेंट का सेक्शन है वो सेम है जैसे जीएल में किया था सेम टू सेम वैसा ही है बस डॉक्यूमेंट टाइप में जहां हम ऐसे लेते थे वहां पे यहाँ पे केआर लेंगे ठीक है okay. और ये मैनुअल पेमेंट हमने कल हम क्या करेंगे ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम ये वाला पार्ट okay. ये रेकरिंग वेकरिंग पार्किंग होल्डिंग सब सेम है जो जीएल में काम किया था ना सेम टू सेम पार्किंग होल्डिंग भी सेम है और रेकरिंग सैंपल भी सेम है कुछ नया नहीं करना है इसमें ट्राई करना और कुछ मसला है तो मैं देखूंगा फिर इसको ओके एक रह गया तुम्हारा कॉन्सेप्ट किसका वन टाइम वेंडर का जब कभी भी वन टाइम वेंडर हम कहते हैं तो मैंने पहले बताया वन टाइम का तो नाम वन टाइम वेंडर है तो वन टाइम वेंडर के केस में जब भी ट्रांजेक्शन होती है तो उसका जो मास्टर डेटा है हमें स्क्रीन पे ही मेंटेन करना पड़ता है इनवॉइस करने के टाइम पे ओके चेक करके देखें ठीक है ये ले लो यहां डाल दो 4500 8000 का इनवॉइस पोस्ट करो यहां भी 8000 डालो एंटर जैसे दबाओगे एक विंडो आएगी खुल के सामने आई क्या बोल रहा है एड्रेस और बैंक डेटा डालो इस वेंडर के लिए राइट तो डालो बैंक कंपनी इसका नाम कुछ ले लो ABC123 मान लो ये कोई कंपनी है कहाँ है कराची में है और कंट्री क्या है पीके है पाकिस्तान पीके इंडिया कंटिन्यू कर दो और सिमुलेट करके पोस्ट कर दो बाकी सब कुछ सेम ही होगा जैसे और वेंडर्स में होता है बाकी सारे काम सेम होंगे पेमेंट भी वैसे ही होगा जैसे किया था ओके कुछ नया नहीं है ऐसे क्या सिलेक्ट करना है हमें वन टाइम वेंडर सिलेक्ट करना है ठीक है कुछ नहीं करना है डॉक्यूमेंट करो सिमुलेट करो और इसको पोस्ट कर दो खत्म करो ओके ओके बस इनवॉइसिंग के टाइम पे एक एक्स्ट्रा अलग से विंडो आती है क्योंकि हमें नहीं पता होता है वन टाइम केस में कौन सा होगा हमारा वेंडर तो उस वजह से हमें वो डेटा डालनी पड़ती है ठीक है ओके आज इस क्लास को हम लोग यहीं खत्म करेंगे कल जब भी बैठेंगे वी विल डू ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम ठीक है ओके ओके गुड नाइट ओके